वो अपने घर तो जोड़ा है रूपोश हो गया, इस करके मैं उन्होंने जोड़ा भगौड़ा कहा। नैणी के गिरफ्तारी वाले असं गल करते हैं तो सारे जोड़ा कि कोई भी अधिकारी है चाहे व्डा चाहे छोटा है वो अपना मूँह खोलन तैयार नहीं है। जे पुलिस चाहे तो कि वही तोप है सैणी जोड़ा है गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। सैणी एस एस पी सी चंडीगढ़ का उदों वे बंब ब्लास्ट मोहाली के फेस 7 के जोड़ा है इतने एक सिख नौजवान चुक के लैके जाते हैं तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आप ही जज बन गई पुलिस, आप ही सारा काम नबेड़ता उन्होंने भी हाँ यही बंदा दोषी है। सैणी के मौजूदगी के बार बार टॉर्चर किया गया तो सैणी का टॉर्चर करने का तरीका बेहद गंदा, इंसानी तो ही मर गई सी। जे मैं कहना वह बंदा गल सुन ले बंदा तो अद्धा तो वैसे ही मर जाता। उन्हें अपनी जी इन्वेस्टिगेशन टीम से जी उन्होंने सैणी ने कहा है भी डंडा ये शरीर च दे दो, जो वे टॉर्चर कर रही थी उन्हें वो डंडा वे देता शरीर के उसने अपनी जोड़ा है गुरगाबी का जुत्ता जोड़ा वह ठुडा मारिया पैर का अपना तो वो जोड़ा लक्कड़ सीगा तो वह सारा वो मुल्तानी दे जो दसया जा रहा भी वह शरीर चला गया तो उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। उस तो बाद ब्लीडिंग जी है बंद ही नहीं हुई। उस एफ आई आर इन्होंने ये दर्ज किया है कि जोड़ा है भी सैणी की हिरासत पुलिस की हिरासत जोड़ा है मुल्तानी उतों फरार हो गया तो वह कहते भी मुल्तानी तो इन्ना टॉर्चर होया भी वो अपनी लत्तों के सहारे खड़ा नहीं होया जा सकता। वो जोड़ा बंदा अपनी लत्तों के सहारे खड़ा नहीं हो सकता वो सैणी की पकड़ के भज सकता, पुलिस की हिरासत कि भज सकता। कोर्ट उन्होंने फिर दुआले जेल च भेजती, ट्रायल चलता, गवाहियां होंदिया, कुछ भी नहीं होया, ना दलील ना अपील, सीधा फैसला। जो साढ़े नाल कोई हादसा वापरदा तो असी सब तो पहला पुलिस नूं फोन करते हैं कि पुलिस साड़ी मदद करूगी। मैं तुहानूं पिछे लै चलदा 92-93-1990 का समा जदों सुमेर सिंह सैणी एस एस पी सन चंडीगढ़ दे उस वक्त एक हादसा वापरिया सी, बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा होया, उस तो बाद उसका पुलिस कस्टडी दे विच कतल कर दिता गया ज कह लिए गायब कर दिता गया। साढ़े नाल पंजाबी ट्रिब्यून के पत्रकार दर्शन सिंह सोढ़ी मौजूद ने जो लंबे समय तो इस केस नूं कोर्ट दे विच देखदे आए ने, काफ़ी डीप पकड़ रखते हैं। बलवंत सिंह मुल्तानी सिटको दे जूनियर इंजीनियर सर जिन्होंने अगवा किया गया, सुमेर सैणी उपर हमला होया सी उस मामले दे विच जिस तो बाद वो गायब हो गए, पुलिस तो लोगों का उस वक्त जिहड़ा भरोसा उठ गया सी। सोढ़ी साहब तुसी अज जिहड़ी खबर लिखी है कि कानून का जिहड़ा रक्षक है वह भगौड़ा हो गया, अजिही हैडलाइन क्यों देनी पई तुहानूं? यह जी हैडलाइन देने का एक जो है मंतव यदा है ये जग जहार हैगी है गल भी वह कानून का भगौड़ा है, हो चुकिया भगौड़ा, सब नूं पता है जग जहार गल हैगी है। जो यही बंदा सी किसे टाइम जदों आप यह जॉब दे विच सीगा बड़े सख्ती नाल जिन्हें भी जोड़े कानून सीगे वह सख्ती नाल लागू करवाउंदा सीगा ते हुण उस कानून का सामना करने की बजाय आप हुण लुकदा फिर रहा, छुपदा फिर रहा। जिहड़ी भगौड़े वाली जिहड़ी गल है वह मैं इस करके गल लिखी है, कही है गल बड़े उहदे नाल ठोस तरीके दे नाल भी जदों 364 दे विच जिहड़ी उहनूं जमानत मिली है मोहाली कोर्ट दे विचों तां जज साहब ने जिहड़ा हैगा अपने हुक्मां दे विच साफ साफ लिखिया सीगा भी इह जिहड़ा हैगा उहनूं जमानत ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਈਵਨ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਕਿਹਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 30-35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADGC ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜੈਮਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ?
सारी सुरक्षा चकमा देकर बंदा फरार हो जाता है तो पंजाब सरकार उन्होंने ट्रेस ही नहीं कर पाती। सत सत टीमा बनाया पैंती है कितने कितने जी हल्तीकर छापेमारी हो सकी की जानकारी सामने आई है भी कितने लुकया हो सकता सुमेश सैनी क्योंकि पंजाब पुलिस में तो लभ नहीं रहा शायद तहानू तुम भी खबर नसर की भी दिल्ली लुकया हो सकता किस आधार पर तुम लिखा भी दिल्ली हो लुकया हो सकता जोड़े मेरे सोर्स ने जोड़े है उन्होंने भी मैं यही गल दसी हैगी है भी वो दिल्ली के है किसी रसूखदार को पनाह ली हुई है रसूखदार भी जोड़ा है न्याय प्रणाली के नाल जुड़िया होया इदा के जोड़े है साढ़े सूत्र ने दस रहे हैं भी जिसके घर वो अपना सैनी लुकया होया वो न्यायपालिका के नाल संबंधित रखता है जबक है ज मौजूदा है यू ही पता है कि है मैं ये बारे इन्नी नॉलेज नहीं है पर जोड़े सूत्र दसते हैं वो यही ने कि वह किसी जोड़ा है दिल्ली के किसी खास रसूखवान के घर जोड़ा है ठहरिया होया मैं खबर की सोडी साहब पिंकी गुरमीत पिंकी कैंप का जरा इंटरव्यू किया उन्होंने दसाया कि उन्होंने दिल्ली जोड़े जज भरा है उन्होंने को लुकया हो सकता कि पंजाब पुलिस उत्थे छापेमारी की अगर तुहाडी नॉलेज दे विच होए पंजाब पुलिस ने उस जगह पर छापेमारी की। देखो जी छापेमारी की गल है आशू जी वो इस तरीके की हैगी है जी मोहाली पुलिस है सिट की जी टीम इन्होंने सत अठ टीम इन्होंने बनाई मेरी किसी उच्च अधिकारी गल हुई थी उन्होंने मैं दसिया भी सत अठ टीम असी बनाई हैं तो जो भी सैनी के गिरफ्तारी वाले असी गल करते हैं तो सारे जोड़ा कि कोई भी अधिकारी है चाहे व्डा चाहे छोटा है वो अपना मूँह खोलन तैयार नहीं है तो सिर्फ एक गल कह के गलों अगे तोड़ देंगे है भी की है भी साढ़े यतन जारी ने पर यह भी गल नाल हैगी है छापेमारी जिमें कर रहे हैं सुहाने भी इतने की है उन्होंने एक इतने फार्म हाउस हैगा जिथे इंटैलीजेंस का दफ्तर है मेन अपना 77 सैक्टर के उत्थे पर बेआबाद लगता मैं जगह है उत्थे नहीं मैं लगता भी उत्थे होएगा वो जो आता भी होएगा चंडीगढ़ के घर वह सबन पता है भी उत्थे लॉक ला के चलिया गया है दिल्ली बारे वह पता लग रहा है भी दिल्ली के हो सकता है जिमें मैं अज खबर भी दी हैगी है तो मेरे सोर्स भी यही दसते हैं भी वो दिल्ली ही है तो छापेमारी जिथे तुम गल की है जी मोहाली पुलिस की जी गल कर रही है मैनू नहीं पता छापेमारी हुई है जो सिर्फ कागजा के गल हैगी है लोगों जोड़ा है सिर्फ एक महज ड्रामेबाजी भी सियासी हल्क गल चल रही है कि जी पुलिस की वो गिरफ्तारी लैके गल चल रही है वो सिर्फ महज ड्रामेबाजी है भी कि कह दें मोहाली छापेमारी हुई है चंडीगढ़ छापेमारी हुई है दिल्ली भी छापेमारी हुई है जे एंड के भी हुई है हिमाचल के भी हुई है पर जे पुलिस चाहे जे पुलिस चाहे तो कि वड्डी तोप है सैनी जिहड़ा हैगा उन्हूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सोडी साहब मैं अगला कुछ सवाल पूछूंगा जे पुलिस चाहती नहीं तो फिर 302 का मामला किवें दर्ज हो जाता 29 साल बाद जिहड़ा मामला दर्ज हो जाता लोग कहिंदे आ भी जिहड़ा सरकार कैप्टन सरकार है भी सैनी नूं जेल में डकूगी डकूगी पर फिर हुण भज रहे आ भी एक पास दूजे पास सवाल भी खड़े हो जाते क्योंकि एक मामला दर्ज हो गया हुण फरार भी हो रहा है ये की सारी ताणी बाणी की है सारी ये जिहड़ी मैनू जो गल मैनू पता लगी है ये गल जिहड़ी हैगी है सियासी हलकां दे विच बड़ी जोरां दे नाल प्रचारी भी गई है कि जिहड़ी भी कोई जांच चल रही है या जे कोई भी कोई कार्रवाई कोई हुंदी है मैनू कितना कितना लगता भी वो जिहड़ा हैगा भी सैनी कोल कितना कितना पहुँच जाती है वो भिणक उन्होंने पै जाती है इस करके हुण तक बचता आ रहा है तो बाकी वो एस एस पी तो लैके जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस का सुप्रीम अहुदा हैगा डी जी पी का उस अहुदे ते रहा किन्ने उन्हें बंदे पाले ने किन्ने बंदे नूं उन्हें तरक्कियां दित्तियां किन्ने बनाए ने मेरा ख्याल है अद्धे तो ज़्यादा तो पुलिस वो अपनी भर्ती की हुई है तो ये किवें हो सकता भी उन्होंने जी गल है भी वो तक ना पहुँचती हो किसी ना किसी करके इस करके जी गिरफ्तारी है वो डिले हो रही है पुलिस चाहे तो उन्होंने अज गिरफ़्तार कर सकती है हूँ मेरी पुलिस अधिकारी मेरी गल भी हुई सी कहते जी असी फोन वह लोकेशन जी है टावर की लोकेशन असी ट्रेस कर रहे हैं भी असी लोकेशन का पीछा कर रहे हैं किड्डी कि वड्डी गल है किसी ना किसी तो अपने वकील किसी ना किसी तो तालमेल किसी ना किसी तरीके तो करता ही होएगा ना। बिल्कुल सही गल है वकील तो सलाह लेनी होंगी वकील नाल तालमेल होंगे और उच्च अधिकारी कानूनी दा पेच है जो चंगी तरह बखूबी जानते हैं एक सोडी साहब इस केस बारे जे डीप गल पिछे जाया जाए कि होया 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा हो सारा मामला की घटनाक्रम की होया अच्छा जी ये जिहड़ा हैगा पुराने जे आपां समें वल जाइए इस घटनाक्रम दे पहलू वल जाइए भी ये जिहड़ी हैगी आ असल विवाद कित्थों जिहड़ा हैगा स्टार्ट होया वो ये हैगा भी जदों सैनी एस एस पी सी चंडीगढ़ दा उदों उहदे ते बंब ब्लास्ट होंदा बंब ब्लास्ट होया बंब ब्लास्ट तो बाद एक सिट बनी पंजाब पुलिस की उन्होंने मुलजमान की पैड़ नपनी शुरू की है भी देखो जी पता करो कि किहड़े बंदे ने दहशतगर्द ने या कौन ने जिन्होंने उत्ते बंब नाल धमाका किया है ये पुलिस की जिहड़ी जांच है तुरदी तुरदी ये जिहड़ी हैगी है मोहाली आ गए वह मोहाली के फेस 7 के जिहड़ा हैगा इत्थे एक सिख नौजवान चुक के लैके जाते हैं जिदे बाद च पता लगता है कि वह सिडको के जूनियर रेंजर जई की पोस्ट के उत्ते तैनात से बड़ा शरीफ मुंडा से वह फादर ऑलरेडी जिहड़ा हैगा आई एस अफसर से दर्शन सिंह मुल्तानी जी
तो उसके बावजूद उन्होंने पुलिस चक के लै गया। चलो ये पुलिस का काम है, जो पुलिस को लगता है भी कोई शक के आधार पर किसी को लेके जाती है, पूछगिछ करके जोड़ा है उन्होंने छड़ा जा सकता है, या जे वो गुनाहगार है तो वो केस करके जोड़ा है कोर्ट के पेश किया जा सकता है। ये कोर्ट ने देखना है भी जो पुलिस ने बंद जिस बंद फड़या है या जिस बंद पुलिस ये दोष ला रही है भी इसने ये अपराध किया है, तो ये तो फिर आपे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आप ही जज बन गई पुलिस, आप ही सारा काम नबेड़ता उन्होंने भी हाँ यही बंदा दोषी है। एक किमें पॉसीबल है इदा तो कोई भी बंदा किसी जो है चक के अंदर ठोक देगा जेल के बंद कर देगा तो उसमें वह खरुआ खोर जोड़ा है मका देगी पुलिस के किसी भी या कोई होर एजेंसी जी है ये कर देगी। ये जोड़ा है तरीका बड़ा गलत तरीका है। हाँ जे उन्हें कोई कसूरवार से उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है, मैं जोड़ा बंदा कसूरवार है मैं उसू जोड़ा है इस हक नहीं हाँ भी वह बरी हो जाए या उन्होंने माफ़ करा जाए। जिस बंद ने जिस तरीके का कानून का जोड़ा है उलंघना की है, जिस तरीके का उन्हें जुर्म किया उन्होंने कानून के तहत उसकी जी है सज़ा मिलनी चाहिए है, पर असी खुद जज बन के जोड़ा है उसू सज़ा सुनाने वाले असं कौन होंने असी। सवाल तो किस तरह का जोड़ा अत्याचार होया पुलिस कस्टडी के कितने उनकी मौत हुई सी किस जगह पर मारिया गया सी अगर एनकाउंटर किया कि अधिकारी ने उन्होंने गोली मारी सी कुछ जानकारी हो इस बारे। देखो आशु जी जी डैथ वाली गल है अगवाह वाली गल है वो जो हूँ तक जोड़े है कोर्ट के जो दस्तावेज सामने आए हैं जी पुलिस पड़ताल हुई ने ज पुलिस ने जो एफ आई आर दर्ज की है वो यही गल सामने आती है। मैं दस्तावेजों के आधार पर ही बोल रहा जो पुलिस के रिकॉर्ड के है जो हूँ तक की जी कोर्ट दारवाइया ने उस जी है गल सामने लिया गई है, चाहे वह चश्मीत गवाह से उन्होंने बयान दर्ज होए हैं, चाहे पीड़ित परिवार सरकारी वकील से जिन्हें भी तत्थ जोड़े है हूँ तक सामने आए हैं वो यही कहें है भी जो 7 फेस दे विच्चों तड़के सवेरे जिहड़ा हैगा अज तो 29 साल पहला करीब 29 साल पहला जदों यूटी दे जिहड़े हैगे पुलिस दे मुलाजम उन्हूं बलवंत सिंह मुल्तानी नूं चुक के लैके जांदे आ तां उसनूं जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ दे सैक्टर 17 दे विच रख्या जांदा। सैक्टर 17 का थाना बहुत मन्निया होया सीगा ते इहदे च भी कोई गल नहीं है, कोई डाउट नहीं है भी सैणी उस टाइम भी मन्निया परमन्निया अफसर सीगा, पर जिहड़ा हैगा कितना कितने जिहड़ा जबर है जुल्म है वो जिहड़ा हैगा उहदे दोष उहदे ते लगदे रहे है ते अंत तक DGP दे अहुदे तक भी उह रहे आ, रिटायर भी हो गया हुण तक भी उहदे ते जिहड़ा जबर जुल्म दे जिहड़े हैगे आ उह दोष लगदे आ रहे आ, उहदा उहनां ने दोस्तां ने पिछा नहीं छड्डिया। ते मैं दुबारे फिर तुहाडे वाले क्वेश्चन दे उत्ते आना भी जदों उहनां नूं 17 दे विच लैके गए आ ते जिहड़े हुण तक चश्मदीद गवाह आए आ हुण तक जिहड़े चैसिनिस गवाह सामने आए आ जिन्होंने मोहाली कोर्ट के अपने 164 दे धारा के तहत बयान दर्ज करवाए ने या जिहड़े वादा माफ़ गवाह बने ने जिहड़े कि उस समय जदों मुल्तानी के उत्ते घरों चुक के लैके उहदे ते टॉर्चर किया गया सैक्टर 17 दे थाने दे विच उह सैणी की जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन टीम का जिहड़ा 20 हिस्सा सीगे टीम का वह उन्हां दी जवानी यही है भी उन्हां नूं उत्थे लैके गए आ जदों 17 दे विच सैणी दे मौजूदगी दे विच उहदे ते बार बार टॉर्चर किया गया ते सैणी दा टॉर्चर करन दा तरीका बेहद गंदा जिहड़ा हैगा सामने आया। हुण तक दीआं जिहड़ीआं हैगीआं वड्डीआं वड्डीआं उदाहरणां ने असीं दे सकदे आं भी जदों जिहड़ा हैगा 3 दहाके पहलां जदों पंजाब दे विच काला दौर चलदा सीगा भी किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा बंदे नूं अरैसट करदे सी ते किस तरीके दे उहनूं तसीह दित्ते जांदे सीगे इह गल्लां ऑन रिकॉर्ड ने, इह लुकियां होईआं गल्लां नहीं, असीं इह किसे दे वैसे तुहमतां नहीं लगा रहे, इह ऑन रिकॉर्ड ने सच ने गल्लां सारीआं इह। ते मुल्तानी नाल भी इह कुछ इदां दा ही होया जो बयान इतने दर्ज होए ने जो मादा बाप गवाह बने ने उन जे असी उन्होंने जवानी गल करिए दसी अपने तुहाडे चैनल के दर्शकों असी दसी ये गल तो वह है कि एक जदों टॉर्चर किया गया सैणी ने मतलब इंसानियत ही मर गई सी उस समय जिहड़े बंदे ने टॉर्चर किया या जिस बंदे ने टॉर्चर करवाया वह इंसानियत ही मर गई सी। जे मैं कहना वह बंदा गल सुन लवे वह बंदा तो अद्धा तो वैसे ही मर जाता है। उदों होया कि सीगा भी एक लक्कड़ का डंडा जिहड़ा हैगा वह सैणी ने जिहड़ा हैगा जो दस्तावेज बोलते हैं कोर्ट के वो कहिंदे भी सैणी ने कहा भी कि लक्कड़ का डंडा घड़ के लियाओ वो लक्कड़ का डंडा जिहड़ा हैगा उन्हें अपनी जिहड़ी उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम सी जिहड़ी उन्हें सैणी ने कहा भी डंडा इहदे शरीर च दे दो गुप्त अंगा दे विच वो जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम सी जो उहदे ते टॉर्चर कर रही सी उन्हें वो डंडा उहदे देता शरीर दे विच ते फिर वह डंडा जिहड़ा हैगा जो दस्सिया गया उन्होंने जो दस्तावेज दसदे ने वो डंडा थोड़ा जिहड़ा हैगा बाहर रह गया सीगा तो इस बंदे नूं जिहड़ा हैगा इहदी जुल्म दी आदत जिहड़ी हैगी उदों होर जिहड़ी हैगी हद पार कर जांदी है भी जदों उन्हें देखा भी डंडा शरीर दे विच्चों अजे पूरा नहीं गया डंडा बाहर रह गया तो फिर उन्हें दुबारे फिर अपने जिहड़ी टीम सीगी तस्दीक कर रही सी मुल्तानी दे उत्ते उन्हां नूं कहा गया भी डंडा बाहर किवें है तो फिर एक उत्थे कोई सिर फिरिया जिहड़ा हैगा कोई खड़ा सी उत्थे मुलाजम उसने अपनी जिहड़ा हैगा गरगाबी का जुत्ता जिहड़ा सीगा उहदा ठुड्डा मारिया पैर दा अपना तो वह जिहड़ा लक्कड़ सीगा तो वह सारा उहदे मुल्तानी दे जो दस्या जा रहा भी वो शरीर दे विच चला गया तो उसनु ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई उस तो बाद उसकी ब्लीडिंग जिहड़ी हैगी बंद ही नहीं हुई तो जिहड़े चश्मदीद गवाह सीगे उहदा उहनां दा भी यही कहना भी उस दौरान जिहड़ी हैगी उहदी डैथ हो गई।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਚਰ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਜੀਤ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਬਾਪ ਗਵਾਹ ਸੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਟੋਰਚਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਚਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੋਰਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਉਹਨ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜਵੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਅਪੀਲ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ਼ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋਦਮ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋਦਮ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਟਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਣੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ
देखो आशु जी ये चानना वे की पाना तो की दसीए तो गल् सारिया जग जहार ने भी फेक काउंटर जोड़े है होए है तो ये मेरा ख्याल है 40 केस तो मोहाली की अदालतों के चल रहे हैं किन्ने केसों के जोड़ा है पुलिस अफसर जोड़ा है सजावं मिलिया ने तो उस टाइम जोड़े जवानी पहरे के पुलिस वाले नौजवान सके तो अज रिटायरमेंट तो बाद जदों कोर्ट के बहर मोहाली कोर्ट के बहर जदों वो बैठे होंगे ने जोड़ा है बिरध अवस्था के इस टाइम कई को पौड़ियां भी नहीं चढ़ होंगे खूंडियां लाइया हुई उन्होंने अपने हाथों के बड़ा तरस आता उन्होंने उत्ते भी हुण उन्होंने पछतावा हो रहा है भी असी अपने मोढ़े के उत्ते स्टार लगाने वास्ते जोड़ा है असी इन्ना कुछ किया असी इन्ना गलत काम किया की सी क्यों किया उन्होंने किसी के कहते किया अज वो पछता रहे हैं जिन्हें कहते किया सत्ता का निघ माण रहे हैं सत्ता का निघ माणिया उन्होंने तो फस के कौन मुलाजम जिन्हों तो उन्होंने करवाया सब कुछ सिर्फ एक फीतियाँ लैन वास्ते कोई भी जो नौजवान चुकया जाता सी मारिया जाता तसीहे दिए जाते सिर्फ एक फीतियाँ वास्ते बहुत बड़िया धारणा ने इदा दी बहुत बड़िया धारणा ने जीत सिंह संधु देख लो तुम उन्हें आप खुदकुशी की है जो फेक इनकाउंटर का मामला जो आया है तो अपने इतने रेलवे ट्रैक के उत्ते जाके उन्हें खुदकुशी की है तो जिन्ह की जमीर मरी हुई है वह सारा कुछ देख रहे हैं यह बहुत सारे केस जोड़े है पुलिस अफसर इदा देने जिन्ह ने जोड़ा है फेक इनकाउंटर के अंजाम दे के अपने फीतियाँ लवाईया ने पर ये मैं ये भी गल कहूँगा भी पुलिस सारी माड़ी नहीं है पुलिस के बहुत सारे बंदे चंगे भी ने बहुत सारे बंदे चंगे भी ने जिन्ह करके अज लोगों इंसाफ की उम्मीद रही है लोग इंसाफ की उन्होंने वास्ते इंसाफ लैन वास्ते जाते हैं पर जे आप मुल्तानी वाला केस देख लीए या होर किन्ने केस देख लीए जे इतने मोहाली की अदालतों के चल रहे हैं फेक इनकाउंटर के जो आप उन्होंने उत्ते झात मारते हैं फिर लोग जोड़े है पुलिस को जोड़ा है कितना कितने उन्होंने जी नफरत है पुलिस प्रति वो जायज़ है फिर वो जायज़ है नफरत जी है पुलिस प्रति नहीं तो बहुत सारे ने बंदे ने इदा के जोड़े मतलब चंगा काम करते हैं पुलिस वाले साहब आखिरी तो पूछना चाहूँगा तहानू की लगता सैनी नू सज़ा हो सकती है इस मामले दे विच की तुसी ये लंबा समा एक्सपीरियंस है तुहाडा अपने एक्सपीरियंस दे आधार ते दसना चाहूँ कि सैनी नू सज़ा हो सकती है क्योंकि एक रसूखदार बंदा हो देखो जी सज़ा वाली गल है जी देखो मैं कोई जज नहीं है मैं अदालत का नुमाइंदा नहीं है कोई तो मैं तो सिर्फ एक अनुभवी बंदा है तो अनुभव ही असी कर सकते हैं असी जी गल जो चर्चावान जो चल दिया ने तहत मैं थोड़ा दस सदा ये जोड़ा सज़ा होनी है ज नहीं होनी है यदा कोर्टा ही दस सदियाँ ने कोर्टा के हूँ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया की पता ही आई वाश हो पता ये जोड़ा केस दर्ज किया हूँ की पता ही आई वाश हो जे पुलिस ने सही मन केस दर्ज किया है कि पुलिस पता नहीं भी असं 302 का केस दर्ज कर जा रहे हैं वो 302 की धारा का असं वाधा कर जा रहे हैं उसनों पहला ही गिरफ़्तार कर लेंगे वह या गिर जी है धारा जोड़न तो बाद गिरफ़्तार कर लिया जाता जिमें कि होर केसों के होंगे किनिया इदा एप्लीकेशन जी थाने के दफ्तर के जी है रुलदियाँ फिरदिया ने लोग इंसाफ में इन्नी देर तो भटक रहे हैं सैनी किड्डी बड़ी तोप से की सी हूँ हूँ तो रिटायर हैगा वो हूँ तो किसी को खौफ भी नहीं रहना चाहिए वह बड़े बंदे सैनी ने अंडर काम करते हैं एक कहें अपने बोस को गिरफ़्तार करना बड़े जे SSP ने सैनी के अंडर काम किया होगा बड़े पुलिस अधिकारियों ने सैनी के अंडर जो ड्यूटी दिती होगी कि किसी की जमीर नहीं जागी कि उस समय जी FIR दर्ज की जाए तुम पुराने 3 दहाके पहला की गल कर रहे हो जो रिसेंटली CBI को मामला आया उस तो बाद ही गल कर रहे हैं क्योंकि CBI ने तो बंद करता से मैटर उस तो बाद ही गल कर रहे हैं उस तो बाद ही गल ये है परिवार ने काफ़ी कोशिश की है भी जोड़ा है जो CBI की जी है FIR रद्द हो गई है परिवार ने उस तो बाद भी काफ़ी पैरवी की है पर जी है गल किसी ने सुनी नहीं पीड़ित परिवार की गल कारण से एक बहुत व्डा क्योंकि जोड़ा सैनी है बड़ा पावरफुल बंदा पावरफुल अहदों पर रहा तो अंत के जोड़ा है वो DGP के अहदे पर भी पहुँच गया DGP का अहदा जिहड़ा पंजाब पुलिस का सुप्रीम अहदा है तो जोड़ा बंदा इस अहदे उत्ते बैठा है वो खिलाफ किवें कोई केस दर्ज कर सकता किसी की हिम्मत है अपने बॉस के खिलाफ केस दर्ज करन दी जो हुण रिटायर हो गया जिहड़े हुकमराना की छत्रछाया दे विच सी उन्हां दी सल्तनत जिहड़ी हैगी है खुस गई है वो तो हुण परिवार ने जाके हिम्मत जताई है भी शायद हुण सानूं इंसाफ मिले तो जदों पर जिहड़ा परिवार ने हुण बूहा खड़काया तो वो कितना कितने उन्होंने लग्या भी हूँ सानू इंसाफ मिलेगा केस दर्ज होया उहदे खिलाफ तो जे हुण पुलिस ने उहदे खिलाफ केस दर्ज कर लिया तो मैं ये भी कहूँगा तो डिमांड भी करूँगा भी जे केस दर्ज किया तो फिर उन्होंने जोड़ा है फड़ के सलाखों के पिछे दो कोर्ट देखे भी उन्हें गुनाह किया ज नहीं किया सन पंजाबी ट्रिब्यून के पत्रकार दर्शन सिंह सोढ़ी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।